भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। उनका होली वाला सॉन्ग यूट्यूब में ट्रेंडिंग नंबर वन पर चल रहा है। सबकी बोलती बंद कर दिए भाई, और 9.5 मिलियन, एक महा रिकॉर्ड, एक महा कीर्तिमान स्थापित किया है इस एल्बम से पवन सिंह ने। लेकिन कोई है जिसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसे सिर्फ पवन सिंह से फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, आपने तो देखा होगा कि पवन सिंह का सॉन्ग जो कि उनके जानने वाले हैं सभी ने प्रमोट किया है, सिवाय एक व्यक्ति के। वो थी उनकी जीवन साथी, कोई और नहीं ज्योति सिंह। जी हाँ, आपने देखा होगा कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ज्योति सिंह ने कमरिया हिला रही है को एक बार भी प्रमोट नहीं किया। लेकिन अब अपने जीवन को लेकर जो ज्योति सिंह ने लिखा है उसे सुनने के बाद और भी ताज्जुब होता है। ज्योति सिंह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट करती हैं और लिखती हैं, चल जिंदगी अब नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद दूसरों से की अब खुद से करते हैं। यहाँ ज्योति सिंह सीधे सीधे क्या कहना चाहती हैं, जो भी बुद्धिमान होगा, जो भी थोड़ा दिमाग लगा के सोचेगा, उसे समझ में आ जाएगा। ज्योति सिंह पवन सिंह के हर छोटी बड़ी खुशियों में शामिल रही हैं। ज्योति सिंह ने तो पवन सिंह के हर एक चीज़ को सेलिब्रेट किया है, लेकिन ये पहला मौका है जब पवन सिंह की इतनी बड़ी कामयाबी को ज्योति सिंह ने सेलिब्रेट नहीं किया है। कहीं ना कहीं नाराज़गी तो ज़रूर है, और वो नाराज़गी अब खुलकर दिखती है, क्योंकि भाई पवन सिंह के साथ साथ जितने लोग जुड़े हैं उन्हें ये बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि पवन सिंह का ये गाना सुपर डुपर हिट हो गया है और पवन सिंह फिर से फॉर्म में आ गए हैं। पवन सिंह का पवन पुत्र का जो रिस्पांस मिला था, उसके बाद उनका ये जो गाने को रिस्पांस मिला है उसने तो बवाल मचा के रखा है। लेकिन ये क्या, इसकी सेलिब्रेशन अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो ज्योति सिंह है। ज्योति सिंह को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि पवन सिंह के जीवन में खुशियाँ हैं या दुख है। वो अब अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहती हैं, जैसा उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के पोस्ट पर लिखकर बता दिया है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।